बोकारो व झारखंड वासियों के लिए सुखद खबर। बोकारो फोर लेन के पास बियाडा में 600 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। दिल्ली से डॉक्टर माजिब अहमद ताली के नेतृत्व में टीम ने हॉस्पिटल निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। डॉक्टर मजीब ने बताया कि विश्व स्तरीय कोटि के बनने वाले अस्पताल में सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले महीने 25 को होगा भूमि पूजन। कुल 500 बेड की होगी अस्पताल, 150 बेड से होगा चालू। वहीं स्थल निरीक्षण के दौरान मौजूद बोकारो विधायक वीरेंची नारायण ने कहा, सरकार की पूरी कोशिश भी लगी है और इंडिविजुअली भी आप सब लगे हुए हैं। तो हमारे विधायक जी श्री वीरेंची जी, जिन्होंने एक सपना देखा था कि बोकारो में एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम आए जो यहाँ के लोगों के लिए एक क्वालिटी केयर, जो अफोर्डेबल प्राइस में उनके घर में जो ट्रीटमेंट मिले, वो सपने के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी, ज़मीन को आइडेंटिफाई करना और फिर बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपको, जैसे कि हम अगर ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है, जो जिसमें आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर, जिसके लिए मरीजों को कभी दिल्ली जाना पड़ता था, कभी कलकत्ता जाना पड़ता था या विदेश जाना पड़ता था, उस तरह का अस्पताल यहाँ पे बनने जा रहा है जिसमें प्रमुख तौर पे हार्ट का, कैंसर का, न्यूरो का, और जो फैसिलिटी तो हर फैसिलिटी रहेगी और स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर रहेगा, NABH JCI के एक्रीडेशन के लेवल का। उस थॉट प्रोसेस को लेके, जो उन्होंने विजन लेके जो चला था, उसको अभी रिसेंटली अप्रूवल मिली है, जो यहाँ का नक्शा पास हो गया है, ARBI से परमिशन मिल गई है और मिलने के 10 या 15 दिन हुए हैं अभी। अभी वो हमारे हाथ नहीं लगा है, हमने तय किया है कि नेक्स्ट मंथ 25th को इसका इनॉग्रेशन भूमि पूजन होगी और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन जो होगा वो ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड जो के विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट होगा और विद इन 2 ईयर्स उसमें से ग्राउंड और फोर्थ फ्लोर फंक्शनल होगा। यानी मोटा मोटा आप माने 2.5 साल के अंदर यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। जो फंड्स की दिक्कत थी और जो के प्रशासन से परमिशंस की जो ज़रूरत थी, वो सारे मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो हेल्प मिल रहा है, उससे लेके ये जो विजन पूरा होने जा रहा है। एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर बोकारो के वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टमेंट को लेके या किसी तरह की जो फैसिलिटीज, बहुत ही उत्साहित है। मैं कई डॉक्टरों से यहाँ पे मिला हूँ बोकारो के, जो कि अपने अपने सेवा को लेके, सर्विसेज को लेके पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे पूरे इंडिया से डॉक्टर्स आएंगे, स्टेट ऑफ आर्ट डॉक्टर्स आएंगे और यहाँ के लोगों को जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो अफोर्डेबल बनेगा। माने कि जो 5-6 लाख का खर्चा है वो यहाँ पे 1-1.5 लाख में हो जाएगा और जो गरीबों के लिए भी उन्होंने एक ये क्लॉ रखा है कि वहाँ पे उनको सेवा विल बी गिवन टू देम, सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू देम। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड बींग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। वी आर अबाउट टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ 25th we are going to start with the inauguration bhumi pujan and from 26th we are going to start with the process of construction. sir kitna bed rahega isme total? initially first phase mein 2 saal ke andar 150 bed ka hospital hoga, uske
साल दो साल में वो 250 बेड का होगा। उसके बाद पीछे एक ब्लॉक आएगी जो एक अनदर 200 बेड का होगा। लगभग मान के चलें कि नियर अराउंड प्रेजेंट और फ्यूचर में अराउंड 500 बेड्स होंगे सुपर स्पेशलिटी के लिए, जहां पे गरीब और अमीर अच्छे मतलब बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स होंगे और बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज होंगे, लेटेस्ट फैसिलिटीज होंगे, जो वो सब लाने की प्रयास की जा रही है। एंड आई एम श्योर विद द हेल्प विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द सपोर्ट जो विधायक जी जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, नो वन कैन स्टॉप इट। आने वाले दिनों में बुकारो के लोगों को जो है बाहर जाते हैं बेहतर इलाज के लिए, वो सिर्फ बुकारो के लोगों के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लोगों के लिए ये बन रहा है। एंड आई एम श्योर द फैसिलिटीज जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे, एक वो एग्जाम्पल रहेंगे इस मॉडल पे, सारे पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स बने, वैसा यहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर विद द हार्ड एफर्ट्स ऑफ द मेडिकन टीम, विद द मेडिकन फैमिली एंड ऑफ द पीपल ऑफ बुकारो, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशली अवर सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज गॉट अ बिग विजन, ये पूरा होगा और पूरा होके रहेगा। देखिए अब 2000 देखिए सरकार बदल गई है जी, ऐसे में क्या लगता है सरकार का सहयोग मिलेगा? देखिए ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम कोई घर नहीं बना सकते, एक हॉस्पिटल बनना है, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनना है, हमें एक छोटी छोटी चीजों की परमिशन ली जाती है। उसका वजह एक है, 1.5 साल तो हमें ARBI से परमिशन लेने में लगा कि जो हम बंकर्स बनाना चाहते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट रेडिएशन मशीनें लाना चाहते हैं, और उसके बाद आपका फायर का NOC हुआ, ये पोल्यूशन का हुआ, क्योंकि देखिए हमें एक जो बनाएंगे ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो लीगली और साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ड और ये रहेगा। तो ये जो टाइम स्पैन जो गया वो इसके वजह से नहीं गया कि सरकार बदली है, वो इसलिए गया कि हमें परमिशंस लेनी होती है। सारे परमिशंस मिले, अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, हम इतने उत्साहित हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स थे हम सब लोगों ने मीटिंग भी की है, एंड वी आर ऑल पॉजिटिव बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर फॉर अवर सेल्फ एंड टू द कंट्री मैन। प्रॉब्लम नहीं में कितना खर्च के लागत आने और कितनी लागत? देखिए अभी जो जो फर्स्ट फेज का जो खर्च आने वाला है लगभग 60 करोड़ का आने वाला है, जिसमें अराउंड 45-50 करोड़ कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, 10-15 करोड़ जो है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में जाएंगे। पता है एक एक मशीनरी भी 20-20 करोड़ की भी है ना, जैसे लीनियक मशीनरी है, पेट स्कैन है, वो है, वो हम क्या कर रहे हैं जैसे कि ऑन लोन, और जैसे अगर मोटा मोटा अगर आप प्रोजेक्ट बनेंगे, जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा लगभग 600 करोड़ का बनेगा ये प्रोजेक्ट। महिमा डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब हैं जिनसे हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई, और उन्होंने बोकारो आने का जो संकल्प था उसको पूरा किया। आज खुशी है कि आने वाले 25 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन होकर 26 तारीख से काम शुरू होने जा रहा है, और बोकारो की जनता को 2-2.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अस्पताल मिलेगा, तो सिर्फ बोकारो के लोगों को नहीं बल्कि झारखंड के लोगों को इसका लाभ होगा। हर तरह का इलाज, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे न्यूरो हो, बर्न हो, हर तरह का इलाज इस अस्पताल में मुहैया होगा। तो बोकारो वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ा काम होगा, झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम। कितने बेड रहेंगे और कितनी की लागत से बन रहा? डॉक्टर साहब ने तो बताया ही आपको, अभी फिलहाल 150 बेड से शुरू होगा, और अभी जो पहला फेज है 2.5 साल के अंदर ये लगभग 110 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन बाद में जब एक्सपेंशन होगा तो डॉक्टर साहब का है कि ये 600 करोड़ तक जाएंगे। बेड लगभग 500 जाएंगे ना? 500 बेड फाइनली बनेगा, 150 बेड से शुरू होके 2023 तक ये 250 बेड हो जाएगा, 23 के बाद फिर जब दूसरा बिल्डिंग बनेगा तो ये 500 बेड तक जाएगा।